सो गाइस आज इम्पोर्टेंट वीडियो है कि मायवन शटरिंग के अंदर मायवन शटरिंग की सारी वीडियोस डाला हूँ, तो आज मायवन शटरिंग का ही वीडियो है गाइस। इसके अंदर स्लीव्स और HVAC स्लीव, HVAC का है, फायर फाइटिंग का है, प्लम्बिंग का है, उस स्लीव्स को कैसे डालना है और प्लम्बिंग सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रिक का बोर्ड कैसे लगता है, इलेक्ट्रिक का काम कैसे होता है उसमें, मतलब जैसे जरी मार के ब्लॉक वॉक में होता है तो यहाँ पर जरी में ही मारना है, डायरेक्ट अपने आप वो मायवन के अंदर बन के आ जाता है। ओके, वह कैसा हो जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये कैसा बन के आता है डायरेक्ट। सो प्लम्बिंग MEP जो होता है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, तो उसमें जो स्लीव्स हो गया, इलेक्ट्रिक का बोर्ड हो गया और अपना प्लम्बिंग का हो गया, ये सारी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए गाइस। आपको लाइव दिखाता हूँ अभी कि कैसे स्लीव्स डालते हैं। आपको मैं स्पेशल इसको लेकर आया हूँ, जो अपना स्किल्ड प्लम्बिंग स्लीव्स का जो अपना मशीन है उसको लेकर आया हूँ यहाँ पर डालने के लिए। देखिए इसने कटिंग कर दिया है ऐसा। ओके, कटिंग करने के बाद सबसे पहले जो करना है काम, वो ये जो प्लेट रहता है मायवन का प्लेट, इसके अंदर देखिए आप ये राउंड कलर राउंड, ये देखिए उडन राउंडेड, आपको जो डाया का स्लीव डालना है उस 2-3 mm कम ऐसा राउंड दोनों साइड प्लेट में बिठाना है, जो लेवल पे आपको डालना है। बीम बॉटम से 300 हाइट है और 230 का बीम है, 200 का, वो पहले प्लाई का डाल के नट बोल्ट सिस्टम पे, देखिए नट दिख रहा है, ओके देखिए नट दिख रहा है यहाँ से ना, नट बोल्ट सिस्टम पे उसको नट बोल्टिंग करना है। उसके बाद आपको पाइप आपका बैठेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट जब MFE में डिज़ाइन करवा रहे हैं तो आपको बोल दीजिए कि मुझे यहाँ स्लीव टिपिकल स्लीव रहेगा, तो ही वो इंसर्ट करके देगा प्रॉपर, कि कैसे इंसर्ट करना है वो प्रॉपरली इंसर्ट करके देगा जगह पे, उस प्लेट पे जहाँ पे, जैसे यहाँ पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे अगर आपका स्लीव आ रहा है तो ये जो साइड रहेगा बीम का उसके अंदर वो ऑलरेडी डाया बना के देगा उसका MS का, बट अगर नहीं बना के दिया तो आपको उडन का राउंडेड आपको कटिंग करके नट बोल्टिंग पे डालना है। ओके, देखिए गाइस कैसे ये स्लीव्स को बैठा रहे हैं, ये अपना HVAC फायर फाइटिंग और जो प्लम्बिंग के स्लीव रहते हैं उसको बैठाना रहता है गाइस। देखिए बीम के बॉटम में, बॉटम से 300 mm हाइट, देखिए दोनों राउंड जो अपना प्लाई का था उसके अंदर आपको प्रॉपर इंसर्ट कर देना है। देखिए बैठ गया प्रॉपर एकदम, अभी ये कंक्रीट करे वाइब्रेटर कुछ भी चले तो ये वहाँ से हिलेगा नहीं। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिक बोर्ड्स का एक मैं बताता हूँ गाइस, कि इलेक्ट्रिक बोर्ड्स आपको फिटिंग करना है पैनल के अंदर और कैसे दिखता है वो, और प्लम्बिंग सिस्टम नीचे जाके मैं आपको बताता हूँ कैसा प्लम्बिंग, कैसे वो खाँचा बन के आता है मायवन के अंदर, और इलेक्ट्रिक बोर्ड का और स्लीव्स कैसा दिखता है वो डालने कास्टिंग होने के बाद। ओके, तो देखिए गाइस ये स्लीव्स जो डाल रहा था वो स्लीव्स देखिए वर्टिकल में भी आता है, और वो जो डाल रहा था बीम में, देखिए वो बीम में ओपन दिख रहा है आपको। ओके, उसके बाद प्लम्बिंग स्लीव्स का हो गया, देखिए इलेक्ट्रिकल बोर्ड ऑलरेडी पैनल में लगा हुआ रहता है, देखिए जो ये साइड का पैनल होगा उसके अंदर नट बोल्टिंग सिस्टम पे, आपको एक प्रॉपर वीडियो ला दूंगा इस पर, अभी देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक का बोर्ड ऐसा लग जाता है। ओके, इनबिल्ट। उसके बाद जो प्लम्बिंग सिस्टम गाइस, देखिए ब्लेड के अंदर ऑलरेडी खाचा बना हुआ रहता है जहाँ से आपको पाइप ले जाना है, टिपिकल बिल्डिंग है, टिपिकल डिज़ाइन रहेगा। तो ये शावर का हो गया अपना, फिर वो गीजर का हो गया, एक सोलर का लाइन हो गया। ओके, सो आधे का लाइन जाना है, उसके बाद पौने का लाइन अपना उतरेगा, पौना इंच का और आधे इंच का अपना लाइन अंदर आया हुआ है। सिंपल एल्बो लेके सीधा लाइन डाला है, ब्रास एल्बो डाला हुआ है, क्लिप पे लेके अपने को फिटिंग करना है, उसके बाद इसको पैक कर देना है। ओके, देखिए यहाँ पे लाइव मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ये देखिए काम चालू है अपना। ओके, सो ये अपना प्लम्बिंग सिस्टम हो गया, उसके बाद इनबिल्ट तो अपना बोर्ड है ही इलेक्ट्रिक का, स्लीव कंपलसरी है, ये तीनों हो गए। अभी कैसे पैक होता है वो भी दिखा दूँ, कि ये काम होने के बाद इसको भरना भी है, ऐसा नहीं ऐसे ही छोड़ देना है इसको। ओके, देखिए गाइस किस तरह, देखिए किस तरह से पैक कर दिया है इसको, सिर्फ पॉइंट लाके छोड़ दिया है, प्रॉपर इसको माल बना के अपने को पैक करना है। ओके, वो तो अपना इसका भांडे का स्लीव एक छूटा हुआ है, फिर यहाँ पे एक नानी ट्रैप है। प्लम्बिंग का काम वाटर प्रूफिंग से पहले हो जाना चाहिए गाइस, ताकि वाटर प्रूफिंग करने में प्रॉब्लम ना आए। ओके, देखिए यहाँ पे गीजर का, देखिए 2 पॉइंट अपना गीजर का छूटा हुआ है, ये शावर का है और ये अपना एक, उसके बाद गीजर का एक जो नॉर्मल बकेट अपना नल रहता है वो एक है। ओके, वो वॉल का पॉइंट है। सो इसी तरीके से अपना प्लम्बिंग का काम होता है गाइस मायवन के अंदर, बहुत ही प्रॉपर टिपिकल वे में होता है, बोर्ड्स स्लीव्स सारा, तो इजी हो जाता है गाइस, एक जैसा करना रहता है तो इजी हो जाता है काम। तो अपना ये प्लम्बिंग सिस्टम था गाइस,
माइवन के अंदर किस तरह से प्लम्बिंग सिस्टम होता है, सारे बोर्ड इलेक्ट्रिकल का एक बात करूंगा कि जो बोर्ड्स होते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट बोर्ड है, फिर यहाँ वहाँ पे बोर्ड है, तो सब इनबिल्ट हो जाता है, कोई गाइस टेंशन नहीं है। जरी नहीं मारना है, जैसे ब्लॉकों में जरी मारना है, यहाँ पे ऑलरेडी प्लेट में ये जो 600 का प्लेट है गाइस, देखिए आपके सामने जो निशान बना हुआ है, प्लेट के अंदर कास्टिंग से पहले बिठा देते हैं तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आता है। देखिए ये प्लेट है, इसके अंदर नट बोल्टिंग सिस्टम पे कास्टिंग से पहले बिठा देते हैं, फिर खोल देते हैं, ओके, तो अपने आप वो जाम हो जाता है वहाँ पे पाइप ला के, ओके। सो ये अपना इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग और स्लीव्स का काम हो गया कि कैसे डालते हैं, क्या होता है। सो ये था अपना आज का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए गाइस, ऐसी ऐसी वीडियोस, प्रैक्टिकल वीडियोस लाऊंगा गाइस, आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं सिखाएगा गाइस, ओके, क्योंकि यंग जनरेशन है गाइस, यंग जनरेशन को मैं समझता हूँ आज क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या नॉलेज देना है, क्या जॉब प्रोफाइल्स में लिख के आ रहा है कि मुझे माइवन शटरिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, एल्यूमिनियम शटरिंग का चाहिए, प्लम्बिंग, जो भी कैसे काम करवाना है, सारा 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 वीडियो डालूंगा गाइस। खाली बस चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, कमेंट करके डाउट पूछिए, मैं कमेंट में एवरी कमेंट का रिप्लाई करूंगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।